यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वैक्सीनेशन के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, वैक्सीनेशन जो है एक इंसान के जीवन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है, जन्म से लेकर लास्ट तक। जैसे कि अभी हम लोग बात करें तो जब भी कोई भी पैंडेमिक यहाँ पर आ जाता है तो बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीनेशन एकमात्र सहारा हमारे पास बचता है। जैसे प्रीवियस में हम लोग कोविड की बात करें तो इसे शुरुआत से कई सारे टीके होते हैं जो एक बच्चे को यहाँ पर लगाए जाते हैं। जैसे रिलेटेड कुछ MCQs के बारे में और कुछ फैक्ट के बारे में आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। BCG का टीका जो है किस रोग के लिए असरकारी होता है? जो BCG का टीका यहाँ पर लगता है, जो माना जाता है कि जन्म के विद इन 24 आवर्स जो है फर्स्ट डोज यहाँ पर ले लेनी चाहिए। एक तो BCG का लगता है उस समय पर, एक हेपेटाइटिस बी का लगता है और एक OPV मतलब पोलियो यहाँ पर ड्रॉप जो है दी जाती है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जन्म के विद इन 24 आवर्स यहाँ पर दी जाती है। तो इसमें पूछा गया है कि BCG का जो टीका है वो किससे बचने के लिए लगाया जाता है? पोलियो से, TB तपैदिक क्षय रोग से, हैजा से या फिर कैंसर से? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, TB से बचाने के लिए जो है यहाँ पर जो है BCG का टीका दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। BCG का निर्माण जो है किस प्रयोगशाला में किया गया था? ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर करिएगा। BCG का जो निर्माण है वो किस लैब के अंदर, किस प्रयोगशाला के अंदर किया गया है? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? चेन्नई के अंदर, नई दिल्ली, जबलपुर या फिर हैदराबाद के अंदर किया गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वन, चेन्नई के अंदर इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, मतलब इसको बनाया कहाँ गया है? चेन्नई के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्यूबर क्यूलिन किस रोग में प्रभावी होता है? ये जो इंजेक्शन दिया जाता है ट्यूबरकुलिन का, एंटीजन यहाँ पर दिया जाता है, तो ये किस रोग से हमें बचाता है? TB से, कुष्ठ रोग से, पोलियो से या फिर डेंगू ज्वर से ये बचाता है? क्या आंसर करेक्ट होगा? बेसिकली ट्यूबरकुलिन जो है तपैदिक से बचाने में मदद करता है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, फ्लोरोसिस नामक रोग जल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्लोरोसिस लिखा हुआ है, दैट मीन्स किसकी वजह से ये होता है? जल में जब फ्लोरीन की अधिकता हो जाती है उस वजह से ये बीमारी यहाँ पर होती है। अब आप यहाँ स्क्रीन पर देख पाते हैं क्योंकि मोस्टली इसका असर आपकी हड्डियों और दांतों पर पड़ता है। फ्लोरोसिस रोग शरीर में फ्लोराइड, फ्लोरीन तथा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल की अधिकता के कारण होता है। इसमें से फ्लोराइड जो है हड्डियों व दांतों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जो पेयजल, भोजन और फ्लोरिडेंट दंत उत्पादन जो होते हैं, जितने भी आप टूथपेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, टूथ पाउडर आप यूज़ करते हैं, तो उन सभी में फ्लोरीन यहाँ पर पाया जाता है और इसके माध्यम से आपका शरीर इन चीज़ों को ग्रहण करता है। भोजन में भी ये तत्व पाया जाता है, पानी में भी पाया जाता है, लेकिन जब शरीर में इसकी अधिकता हो जाती है तो फ्लोरोसिस रोग यहाँ पर हो जाता है। अगर आपके शरीर में फ्लोरीन की जो है पर्याप्त मात्रा है तो आपको फर्स्ट वाला डायग्राम यहाँ पर विजिबल है ना। अगर कुछ हल्की सी भी ज़्यादा हो जाती है तो दांतों में हल्का सा पीलापन दिखाई देगा। अगर मॉडरेट हो रहा है तो इस प्रकार से दांत यहाँ पर ख़राब होने लग जाते हैं, और सीवियर केस है तो पूरे ही दांत यहाँ पर ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, फ्लोरोसिस जो रोग है किसके कारण होता है, जल में किसकी उपस्थिति होगी? फ्लोरीन की उपस्थिति के कारण ये रोग यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, टाइफाइड ज्वर किस कारण से यहाँ पर होता है? टाइफाइड जीवाणु से होने वाला रोग है, विषाणु से है, प्रोटोजोआ से है या फिर कवक से है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। ठीक है, वन सेकेंड, तो ये किसकी वजह से होगा ये आपसे पूछा गया, जीवाणु की वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर, टाइफाइड से रिलेटेड ही है। आपको ध्यान होगा टाइफाइड का कोई वैक्सीन नहीं है, ऐसे डिप्थीरिया है, काली खांसी है ना, जिसको पर्ट्यूसिस हम लोग बोलते हैं, टिटनेस है, BCG है TB के लिए, तो इन सब के वैक्सीनेशन अवेलेबल है लेकिन टाइफाइड का कोई टीका अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन टीकाकरण की श्रेणी में नहीं आता है? देखो टाइफाइड में असरकारी दवा कौन सी होगी? क्लोरामफेन हिनोकॉल हो सकती है, एम्पीसिलीन यहाँ पर हो सकती है,
ट्राइमेथेप्रिम यहाँ पर हो सकती है, या फिर ये सारी की सारी दवाएं टाइफाइड के लिए असरकारी होती है। डेफिनेटली ये सारी ही दवाएं यहाँ पर बहुत ही असरकारी है, टाइफाइड के समय में ये दी जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमन जो दवाएं जो सभी डॉक्टर प्रेफर करेंगे उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु के कारण मनुष्य में कौन सा रोग यहाँ पर उत्पन्न होता है? जीवाणु मतलब बैक्टीरिया और विषाणु मतलब कि वायरस। ठीक है, दोनों चीज़ें ध्यान रखना, हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज मत होना। विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु की वजह से कौन सा रोग यहाँ पर होता है? हैजा यहाँ पर हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमने रखा है बीमारी के नाम, कौन सा अंग प्रभावित करेगा, कौन से जीवाणु की वजह से होगा और क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे। पहले हम लोग जीवाणु दैट मीन्स बैक्टीरिया के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वायरस के लिए। तो पहले बैक्टीरियल कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले टाइफाइड की बात करें तो ये शरीर के आंतों को प्रभावित करता है, साल्मोनेला टाइफी की वजह से ये होता है। इसमें तेज बुखार और सिरदर्द लक्षण के रूप में देखे जा सकते हैं। ठीक है, कम नींद आना और नींद आ रही तो बुरे सपने आना, ये सारे नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं। क्षय रोग टीबी की बात करें, लंग्स प्रभावित हो जाएंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से ये होता है। बार बार खांसी के साथ कफ और खून का आना। डिप्थीरिया की बात करें तो ये जो श्वास नली हमारा ट्रेकिया होता है ना, जो नाक के द्वारा जो है सांस अंदर जाती है और लंग्स से बाहर छोड़ी जाती है, ठीक है, तो ये डिप्थीरिया उसको प्रभावित कर देता है। कॉरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से जो है, इस बैक्टीरिया की वजह से डिप्थीरिया यहाँ पर होता है ना, आपने सुना है ना DPT का टीका लगता है जिसमें फर्स्ट आपका डिप्थीरिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से होता है, सांस लेने में कठिनाई और दम घुटना यहाँ पर संभावना हो सकती है। इसके सिम्टम्स में ये देखा जा सकता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि अगर डिप्थीरिया ने आपकी श्वास नली को प्रभावित किया है तो सांस लेने में तो दिक्कत आएगी, और सांस लेने में दिक्कत आएगी दैट मीन्स कि दम घुटने वाली समस्या उत्पन्न होगी। प्लेग की बात करें, फेफड़ा है ना और कारो दोनों पैरों के बीच, इन चीज़ों को ये प्रभावित करेगा। कांख जो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ना, इसको ये प्रभावित करेगा। पास्टुलेला पेस्टिस की वजह से ये होता है, इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। बहुत तेज बुखार आना है ना, शरीर पर कुछ ऐसे निशान बन जाना, ये चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती है। काली खांसी की बात करें, श्वसन तंत्र को अगेन ये प्रभावित करेगी। हीमोफिलिस पर्ट्यूसिस की वजह से ये बीमारी होती है, लगातार इसमें खांसी आना ये बना रहता है। ठीक है, तो DPT में जो आपने देखा है, जो सेकंड टीका यहाँ पर लगता है वो पर्ट्यूसिस का लगता है, दैट मीन्स काली खांसी। ठीक है, इसका नाम इंग्लिश में पर्ट्यूसिस है। निमोनिया की बात करेंगे, लंग्स को फेफड़े को ये प्रभावित करता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया की वजह से ये होता है, लंग्स प्रभावित होते हैं, मोस्टली छोटे बच्चों में ये देखा जाता है। तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन आना सामान्य सी बात होगी इसमें, ठीक है, इन जनरल ये देखा जा सकता है। कोर तंत्रिका तंत्र त्वचा को ये प्रभावित करेगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया की वजह से ये होता है। शरीर पर चकते और तंत्रिका तंत्र यहाँ पर प्रभावित हो जाता है। अब हम लोग वायरस के लिए पढ़ लेते हैं। एड्स की बात करें तो ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, वाइट ब्लड सेल्स जो है उनको अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, किस वायरस की वजह से होता है? HIV वायरस की वजह से होता है। शरीर की क्या कम हो जाती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पर कम हो जाती है। डेंगू की बात करें है ना, हड्डी तोड़ बुखार जिसको बोला जाता है सामान्य सी भाषा में, संपूर्ण शरीर खासकर सिर आँख व जोड़ में जो है ये सारे अंग जो है ये प्रभावित होते हैं, और वो वायरस की वजह से ये बोल सकते हैं बीमारी होती है। आँखों पेशियों सिर तथा जोड़ों में दर्द यहाँ पर सामान्यतः देखा जा सकता है। पोलियो की बात करें, गला रीढ़ नाड़ी संस्थान को ये प्रभावित करता है। ठीक है, किस वायरस की वजह से होता है? पोलियो वायरस की वजह से होता है। ज्वर बदन में दर्द, रीढ़ की हड्डी आंत की कोशिकाएं यहाँ पर नष्ट हो जाती है। इन्फ्लुएंजा की बात करें, इन्फ्लुएंजा संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, मिक्सो वायरस की वजह से ये होता है। गल शोथ छींक आना बेचैनी सर्दी ये सारी नॉर्मल समस्या यहाँ पर देखी जा सकती है। चेचक संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, वेरियोला वायरस की वजह से ये होता है। तेज बुखार, शरीर पर लाल लाल दाने, पूरे शरीर पर चकते बन जाना, इसके सिम्टम्स रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, वापस से क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? जो हेपेटाइटिस बीमारी होती है ये किसको प्रभावित करता है? लीवर को अफेक्ट करता है,
कहाँ लिखा हुआ है लीवर, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, ठीक है, किडनी नहीं, हार्ट नहीं, लंग्स नहीं, लीवर को ये पूरा अफेक्ट कर देता है, ठीक है, लीवर यहाँ पर सिकुड़ने लग जाता है। बीवेक किस रोग को नियंत्रित करने में सक्षम होता है, हैजा को, पोलियो को, हेपेटाइटिस को या फिर तपेदिक को। जो बीवेक, सबसे पहले आप बीवेक वैक्सीन यहाँ पर देख सकते हैं, बीवेक वैक्सीन का उपयोग हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमण से बचाने के लिए किया जाता है। हेपेटाइटिस बी एक प्रकार का वायरस के कारण होने वाला लीवर का संक्रमण है, तो बीवेक जो वैक्सीन यहाँ पर दी जाती है वो हेपेटाइटिस बी से बचाने के लिए यहाँ पर दी जाती है। सो सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, भारत बायोटेक इंटरनेशनल कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या फिर भोपाल में, तो ये स्थित है अपना हैदराबाद के अंदर, है ना, तो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ऐसे ही सिटी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमने किया था कि सो बीसीजी का जो टीका है वो कहाँ पर निर्मित किया गया, तो बीसीजी का टीका चेन्नई में निर्मित किया गया, स्टार्टिंग का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 ही था, बीसीजी का टीका चेन्नई में बनाया है और बायोटेक इंटरनेशनल कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लेग नामक संक्रामक रोग किस जीवाणु का वाहक है, मुर्गा, चिकन, चूहा, कुत्ता या फिर बकरी का, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसके थ्रू ये पूरे ह्यूमन बॉडी के अंदर ये फैली थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आप अपने बड़े जो है, अपने पापा, अपने दादा अगर घर में है तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि ये प्लेग बीमारी किस तरीके से फैली थी, है ना, वो आपको पूरी घटना बताएंगे, जिससे आप आगे आने वाली जो जनरेशन है उनको इस बारे में बताएंगे कि हमने किस तरीके से कोविड को फेस किया है, क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हुई थी, किस तरीके से लॉकडाउन लगा था। सेम एज इट इज़ चीज़ उस समय भी हुई थी जब प्लेग बीमारी आई थी, लोग अपना घर छोड़कर, क्योंकि इतने चूहे हो गए थे कि उनके मरने से जो है यहाँ पर बीमारियाँ हो रही थी, तो यहाँ पर भी लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था, ठीक है, तो इसके बारे में आप ज़रूर से जानकारी लीजिएगा। विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम दैट इज़ UIP कब प्रारंभ किया गया था, करेक्ट आंसर क्या होगा, 1985 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्वव्यापी टीका कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा रोग शामिल नहीं है, टिटनेस, पोलियो, हेपेटाइटिस या फिर डिप्थीरिया, किस चीज़ को जो है टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया गया है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, हेपेटाइटिस इसमें नहीं आता है, क्योंकि अगर अपन बात करें DPT में, है ना, तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, इसका इंजेक्शन लगता है, इसकी वैक्सीन होती है ना, डिप्थीरिया भी हो गया, पोलियो की भी अलग से अपनी वैक्सीन है ही सही, तो इसमें हेपेटाइटिस को कंसीडर नहीं किया जाता है। चलिए एक बार अपन सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP के बारे में देख लेते हैं, इसकी शुरुआत कब की गई थी। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को वर्ष 1978 में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, है ना, एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन दैट इज EPI के रूप में शुरू किया गया था। 1985 में इसको सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया, पहले ये स्टार्ट किया गया था भारत में 78 में, फिर 85 में इसको इंटरनेशनल लेवल पर, यूनिवर्सल लेवल पर प्रमोट किया गया, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है, टीकाकरण कवरेज को तेज़ी से बढ़ाना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया के ही बच्चे हैं तो उनको ही वैक्सीनेशन की जाए, यहाँ पर हर बच्चे के लिए, वर्ल्ड में जो भी बच्चा अवेलेबल है हर बच्चे को वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है ना, तो यहाँ पर जो इसको टारगेट किया गया कि इसके थ्रू जो है सब जगह हम लोग अवेयरनेस फैला सकते हैं, तो टीकाकरण कवरेज को तेज़ी से बढ़ाना, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लेकर आना, स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर पर एक विश्वसनीय कोल्ड चेन सिस्टम को रेडी करना, टीकाकरण कार्यक्रम के प्रदर्शन की निगरानी हेतु जिलेवार प्रणाली की स्थापना करना और टीके उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, दैट मीन्स ऐसा नहीं हो कि हम लोगों को अलग कंट्रीज से अपने लिए टीके मंगवाने पड़ रहे हो, हम लोग अपने देश का टीका खुद यहाँ पर निर्मित करें, ठीक है, तो ये इसके कुछ टारगेट थे, लक्ष्य थे जिनको अचीव करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपने देख ही लिया है, किस रोग को शामिल नहीं करते हैं टीकाकरण में, हेपेटाइटिस को इंक्लूड नहीं किया जाता है, DTP टीकाकरण में किस रोग को शामिल नहीं किया गया, तो इन तीन बीमारियों के अलावा जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें आपका डिप्थीरिया हो गया, टिटनेस हो गया, पर्ट्यूसिस हो गया, इसमें किसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो किसकी बात नहीं होगी, क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका इसमें, इसमें अपना डिप्थीरिया हो गया, टिटनेस जो है, टिटनेस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद अपना जो है पी यहाँ पर, पर्ट्यूसिस यहाँ पर हो गया, ठीक है,
अच्छा, इस क्वेश्चन में होना था कि किसको इंक्लूड किया गया, क्योंकि यहाँ पर पोलियो अलग है, मेसल्स अलग है और टीबी अलग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होना है, किसको शामिल किया गया है डीटीपी प्रोग्राम के अंदर, तो डिप्थीरिया को यहाँ पर इंक्लूड किया गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा। मतलब बेसिकली जो है ये जो डीटीपी का टीकाकरण होता है, इसमें कौन इंक्लूड रहेगा? डिप्थीरिया आपका इंक्लूड रहेगा, जो कि श्वास नली में होने वाला रोग है। बाकी पोलियो की वैक्सीन अलग होती है, एमआर वैक्सीन है ना, जो मिसल्स और रुबेला होती है इसकी अलग होती है, और टीबी के लिए अलग हो जाएगी अपनी। ओके चलिए ठीक है, यहाँ तक। 15 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार शिशु में कितने रोगों को टीकाकरण यहाँ पर किया जाता है? कितने रोगों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया, मतलब टोटल जो अलग अलग प्रकार की वैक्सीन लगती है वो कितनी है? क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा इसका? 6 प्रकार की वैक्सीन होती है ना, जैसे अपन ने पूरी टीकाकरण की टेबल में पढ़ा है कि यहाँ पर जो है BCG हो गया, पोलियो का हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर कब करी गई थी? दिसंबर 1994 में, 1995 में, मई 1994 में, या फिर मई 1996 में इसकी शुरुआत करी गई थी? क्या आंसर करेक्ट होगा? 1995, 1995 में जो पल्स पोलियो टीकाकरण है इसकी शुरुआत यहाँ पर करी गई थी। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अपना सेशन आने वाला है उसमें जितनी भी योजनाएं हैं या जितने भी प्रोग्राम हैं, चाहे वो मिशन इंद्रधनुष हो, क्षय रोग टीकाकरण कार्यक्रम हो, इन सबको इंक्लूड किया गया है। तो अगला वाला सेशन ज़रूर से देखिएगा हर एक टीकाकरण कार्यक्रम को डिटेल में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो दिसंबर 1995 में इसको स्टार्ट किया गया था। BCG वैक्सीन को घोलने के लिए किस तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जो कि पाउडर फॉर्म में आती है, तो इसको घोला काय में जाता है। टैप वाटर, जो नल से पानी आ रहा है उसमें, सामान्य खारा पानी, डिस्टिल वाटर, या फिर RL के अंदर इसको घोला जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर जो होता है इसके अंदर जो है घोला जाता है BCG वैक्सीन को। ओके चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। BCG वैक्सीन कब दी जाती है? जन्म के समय, 9 माह का समय होने पर, 6 महीने होने पर दी जाती है, या 18 महीने पर दी जाती है? तो BCG की जो वैक्सीन है विद इन 24 आवर्स जन्म के समय दे दी जाती है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा। ठीक है, जन्म के समय ये वैक्सीन दे दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 19, टीकाकरण रोकथाम के किस स्तर पर आता है? मतलब टीकाकरण की रोकथाम करना है ना, ये सारी चीज़ें जो है कौन से लेवल पर कंसीडर करी जाती है? प्राइमरी लेवल पर इस चीज़ को कंसीडर करा गया है। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा। ठीक है, BCG जो टीका है ये किस प्रकार का टीका है? देखो, टीके के टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। एक जीवित टीका होता है, एक निष्क्रिय टीका होता है, इनएक्टिवेट जिसको बोला जाता है, और तीसरा होता है टॉक्सिक। तो जीवित टीके में क्या होता है कि जो लाइव बैक्टीरिया होता है वो बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, और इनएक्टिव में उसका मृत शरीर का जो है वो हिस्सा यहाँ पर बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। जो BCG है, जीवित टीका यहाँ पर माना जाता है, लाइव वैक्सीन यहाँ पर मानी जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक लाइव बैक्टीरिया को शरीर के अंदर इंजेक्ट कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? तो यहाँ पर वो जो बैक्टीरिया होगा ना, वो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित बैक्टीरिया या वायरस को ख़त्म करने की शक्ति रखता होगा। वो खुद जिंदा है लेकिन उसके पास वो क्षमता नहीं है कि वो हमारे शरीर को इन्फेक्ट कर पाए, बुरी तरीके से प्रभावित कर पाए, या संक्रमण हमारे शरीर में फैला पाए। उसका कार्य है हमारे शरीर के अंदर जाना और हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरिया वायरस है उसको ख़त्म करने की कोशिश करना, है ना। तो इनमें से BCG की बात करें तो BCG का टीका जो है लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन के अंदर कंसिडर किया जाता है, जीवित टीके के अंदर कंसिडर किया जाता है। इसके बाद का जो सेशन रहेगा उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी वैक्सीन किस टाइप की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। मिसल्स खसरा का टीका प्राय किस आयु में लगाया जाता है? 3, 6, 18 या फिर 9 महीने के अंदर? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? 21 का, कब इसका टीका लगाया जाता है? तो मोस्टली ऐसा माना जाता है कि छोटे समय में ये नहीं लगाना चाहिए, 9 महीने या इसके बाद आप इसको लगा सकते हैं। आइडियली तो ऐसा भी माना जाता है कि 12 महीने के बाद जो है आप इस टीके को लगाएं, लेकिन फिर भी ऑप्शन में 9 महीने हैं तो आप ये यहाँ पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। निम्नलिखित में से किस बीमारी के रोकथाम के लिए टीकाकरण सारणी में कोई टीका नहीं है? किसके लिए यहाँ पर कोई भी टीका अवेलेबल नहीं है?
क्षय रोग के लिए, पोलियो के लिए, टाइफाइड के लिए या फिर खसरा के लिए। देखो क्षय रोग का टीका होता ही है अपना, है ना, टीबी के लिए, पोलियो की भी है, खसरा मिसल्स एमआर टीका चलता ही, लेकिन टाइफाइड का कोई टीका यहाँ पर नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, टाइफाइड का कोई टीका नहीं है, बाकी सबके टीके ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। जिसमें से आप देखना चाहें, जो हम लोग देख रहे थे, 6 मोस्ट टीके जो है सीरीज़ में अवेलेबल है टीकाकरण श्रेणी में, जिसमें BCG हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, DPT हो गया, MR जिसमें आपका खसरा और रुबेला आ जाएगा, ठीक है, मिसल्स एंड रुबेला आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। BCG का टीका हमेशा लेफ्ट साइड पर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये हार्ट के पास होता है, ताकि भविष्य में इन फ्यूचर इस निशान को पहचाना जा सके, क्योंकि यहाँ पर दर्द कम होगा या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा बाईं साइड क्यों लगाया जाता है? ताकि भविष्य में इस निशान को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके, ये एक रीज़न हम लोग यहाँ पर इसका बोल सकते हैं। तो बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हिप दैट इज एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन किस बीमारी से रोकथाम के लिए लगाई जाती है? हिप की जो वैक्सीन लगाई जाती है किस बीमारी से बचाती है? तो सबसे पहले अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दे रखे हैं, मैनिंगटिस दे रखा है, एपिग्लॉटिस दे रखा है, निमोनिया दे रखा है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ भाई, इन सभी से बचाने के लिए जो है हम लोग हिप वैक्सीन का प्रयोग करते हैं, हिप दैट इज एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन। अब यहाँ पर वन बाय वन देखते हैं, मैनिंगटिस जो होता है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में देख लीजिए, फिर देखते हैं कि इस बीमारी में होता क्या है, ठीक है। इसके सिम्टम्स में आप देख सकते हैं फीवर होना, हेडेक होना, है ना, यहाँ पर बैक पेन वगैरह होना, कंधे कमर इन सब का दुखना, ठीक है, फोटोफोबिया हो जाना, रोशनी से जो होता है फोबिया, एक प्रकार का डर बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति अंधेरे में रहता है, नोशिया, वॉमिटिंग वगैरह होना, घबराहट होना, ठीक है, मेंटल स्टेट यहाँ पर ठीक नहीं होना, ये सारे मैनिंगटिस के सिम्टम्स यहाँ पर देखे जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब एपिग्लोटिस की यदि हम लोग बात करें, तो एपिग्लोटिस बेसिकली ये आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इज़ अ फ्लैप ऑफ टिश्यूज दैट सिट्स बीनीथ द टंग एट द बैक ऑफ द थ्रोट, यानी कि आपके गले में यहाँ पर ये होता है आपका एपिग्लोटिस। अब ये एपिग्लोटिस एक्चुअल में करता क्या है, जैसे ही आपने पानी पिया, भोजन लिया, तो आपके पास दो अलग अलग द्वार यहाँ पर होते हैं, दो अलग अलग नलिकाएँ होती हैं, जिसमें से एक में से पानी जाता है, एक में से भोजन जाता है। तो बेसिकली एक ढक्कन जैसा कार्य करता है कि कब किस समय किस में से क्या जाना है, है ना। तो इट्स मेन फंक्शन इज टू क्लोज ओवर द विंड पाइप दैट इज ट्रेकिया व्हाइल यू आर ईटिंग टू प्रिवेंट फूड एंटरिंग योर एयरवेज। दैट मीन्स जहाँ से सांस जानी है, दो नलियाँ होती है, एक तो सांस के लिए होती है जहाँ से आप सांस छोड़ते हो, ग्रहण करते हैं, और दूसरी भोजन के लिए यहाँ पर होती है। तो ये दोनों को यहाँ पर अलग अलग रखता है, ऐसा नहीं हो कि जो श्वास नली होती है उसमें आपका भोजन चला जाए, है ना, नहीं तो सांस लेने में दिक्कत होगी। तो बेसिकली ये आपका एपिग्लोटिस यहाँ पर होता है, ओके, क्लियर हो गई ये वाली चीज़। दो वेंट पाइप यहाँ पर होते हैं, एक सांस लेने के लिए होता है, एक भोजन के लिए होता है, है ना। आपने देखा होगा ना, कई बार, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि एक बहुत रेयर केसेस में होता है, बट ये वाली चीज़ होती है कि जब आप पानी पी रहे होते हैं, तो पानी गलती से क्या होता है, इसकी जगह, भोजन वाला जो द्वार है, इस पाइप की जगह जो है, इस नली की जगह जो है, श्वास जो लेते हैं, सांस जो लेते हैं, उसमें चला जाता है, है ना, जिससे जो है इंसान को बहुत नुकसान या मृत्यु तक यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर कार्य कौन करता है, एपिग्लोटिस करता है, ओके। चलिए तो हमसे पूछा क्या गया था, जो HIV वैक्सीन है वो इन सभी के लिए है, मैनिंगटिस के लिए है, एपिग्लोटिस के लिए है और निमोनिया के लिए है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस परिस्थिति में टीकाकरण करना अनिर्देशित रहता है? यदि बच्चे का एड्स का इलाज चल रहा हो, बच्चा को ब्लड कैंसर हो, या फिर रक्ताधान या गामा ग्लूकोसिस के चढ़ने के 3 माह के अंदर, मतलब उसके अंदर रक्त की कमी हो रही है, इस प्रकार की कोई समस्या हो रही हो, तो कब टीकाकरण नहीं करना चाहिए? तो अगर ये तीनों कोई रीज़न बच्चे के साथ है, तो यहाँ पर उस बच्चे को वैक्सीन नहीं दी जा सकती। क्योंकि अभी आपने सुना कि लाइव वैक्सीन होती है ना, टॉक्सिन वैक्सीन होती है, निष्क्रिय इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, तो इसमें कई सारे बैक्टीरिया जो ऐसे हैं जो सजीव और निर्जीव तरीके से शरीर में प्रवेश करते हैं। बेसिकली वैक्सीन होती क्या है, यही होती है, या तो उस बैक्टीरिया का शरीर का कोई भाग, या तो उसका प्रोटीन हो गया, वो शरीर के अंदर
इसके थ्रू, वैक्सीन के थ्रू इंजेक्ट करवाया जाता है। अगर बच्चा खुद ही पहले ही किसी बीमारी से पीड़ित है तो इन केस अगर जब बच्चों को ये वैक्सीन दी जाएगी तो ये बैक्टीरिया उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं, नेगेटिवली उस बच्चे को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ही जब भी कोई वैक्सीन दी जाती है तो ये सारी चीज़ें चेक कर ली जाती है कि क्या बच्चे के साथ ऐसी कोई समस्या तो नहीं है, है ना। नहीं तो फिर मोस्टली वैक्सीन जो होती है वो थोड़ी सी डिले यहाँ पर कर दी जाती है। ओके, तो ये था पूरा आपका वैक्सीनेशन की बात, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे वाला सेशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उसमें जितनी भी स्कीम्स हैं जो कि आपके वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, चाहे वो पल्स पोलियो कार्यक्रम हो और अभी तक की स्टेट लेकर हो कि कौन सी बीमारी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि इसमें एक ऐसी स्कीम है जो स्वास्थ्य योजना अपनी 2002 चल रही है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, उसमें से कई सारे टारगेट रखे गए हैं कि 2025 तक इन सारी बीमारियों को ख़त्म करना है, उनका उन्मूलन करना है। तो उसके बारे में हम लोग जो नेक्स्ट सेशन आएगा कल उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उस सेशन को भी आप ज़रूर से एक बार विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं। ये सारा जो बीच का डेटा है ये पोलियो के लिए था, तो वो पल्स पोलियो कार्यक्रम के साथ ही हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए तो सेशन को ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।